अपनी वीडियोस बना ही रहा था कि देखिए एकदम बहुत ही सुंदर भोले बाबा को जो है कि अपने कांधे पे बिठा कर लेके चले हैं ये। इतने भक्त, मतलब इतने भक्तों में इतनी भक्ति होती है कि अपने बाबा को अपने कांधे पे लेके जा रहे हैं। तो बोले आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है? बोले अमित कुमार है। बोले कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से आए हुए हैं और आप गुड़गांव ही वापस जा रहे हैं, हरिद्वार से निकले हुए। आपको कितना समय हो चुका है? बोले सुबह ही उठाई हुई है और सुबह से लेके अभी तक आप जो लेके आ रहे हैं भोले को अपने कांधे पे बिठा के लेके आने का इसका क्या रीज़न है? मतलब जानना चाहूँगा कि आप हर साल किसी तरीके से कांवड़ लेके आते हैं अपने भोले को बिठा के। बाबा से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो तो आपका प्रेम बाबा के साथ दिख रहा है क्योंकि आपने अपने बाबा को ना तो पैदल ना ही ऊपर बिल्कुल अपने कांधों पे बिठा के लेके चल रहे हैं। आप किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं? मतलब आपको थकावट तो हो ही रही होगी। बीच बीच में आप रुक जाते हैं, कई जगहों पे कैंपस लगे हुए हैं, आप वहाँ पे भी रुक जाते होंगे। अच्छा, आप अपनी गाड़ी लेके, अपना कन्वेंस आपके साथ है, हर 2 किलोमीटर पे आपको वहाँ पे मिल जाती है वो गाड़ी। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, कितने सालों से आप कांवड़ लेके आ रहे हैं यहाँ पे? ये मेरी 11वीं कांवड़ है। यह आपकी 11वीं कांवड़ है और हर साल इसी तरीके से? 7 मेरी पैदल की है, 4 मेरी माँ कांवड़ है मेरे गांव से आती है और 1 मेरी पहली है। ये इस तरीके की कांवड़ आपकी पहली है? अच्छा, लोगों ने वैसे अपने महादेव के आंखों पे चश्मा लगाया हो ताकि उन्हें धूप ना लगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। आपके भोले बहुत सिंपल और बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं। लोगों ने पता नहीं क्या क्या उनको पिना रखा है, लेकिन आपने अपने महादेव को हमेशा फूल, रुद्राक्ष और उनके हाथ में त्रिशूल, बस यही दे रखा है। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है? बाबा से आपको बहुत प्रेम है, इसलिए आप इस तरीके से अपने बाबा की कांवड़ लेके जा रहे हैं। और ये चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपको यहाँ से वहाँ पहुँचने में भी कितना समय लगेगा? सात आठ दिन अभी आप लग जाएंगे, क्योंकि 2 तारीख को हमारे हिंदू पौराणिक तरीके से हिंदू प्रथाओं का जो जल है 2 तारीख का है। इसी तरीके से आप अपनी कांवड़ के साथ जा रहे हैं गुड़गांव। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जब रास्ते में इस तरीके से चलते रहते हैं तो आप लोगों को ना बहुत सारे लोग मिलते रहते होंगे और आपके साथ भी कई लोगों ने आपकी तरह ही कांवड़ उठाना स्टार्ट की है और जिस तरीके से आप लेके जा रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है? देखिए, आपके मन की प्रसन्नता जो है वो आपके चेहरे पर साफ झलक रही है, क्योंकि आप जिस तरीके से भोले को लेके जा रहे हैं इसी तरीके से आप अपनी कांवड़ यात्रा चलते रहें और बने रहें। आप महादेव आप पे अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाएंगे। हर हर महादेव।